पिछले लेक्चर्स में हमने अनिश्चितता के सिद्धांत के बारे में पढ़ा था। आज हम अनिश्चितता के सिद्धांत के कुछ अनुप्रयोगों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला अनुप्रयोग हमें पढ़ना है वह नाभिक में इलेक्ट्रॉनों का अनस्तित्व। जैसा कि हम जानते हैं, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। परंतु बीटा क्षय के दौरान नाभिक से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। तो क्या नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं? क्या उनका अस्तित्व नाभिक के अंदर होता है? तो अनिश्चितता का सिद्धांत के उपयोग करके हम यह कह सकते हैं कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन का अनस्तित्व, वो उसका अस्तित्व नाभिक में नहीं होता है। तो कैसे यह सिद्ध कर सकते हैं? तो हम नाभिक की जो त्रिज्या है वो लगभग 5 फर्मी माने 5×10⁻¹५ मीटर के आसपास होती है। यदि नाभिक में इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व माना जाए तो इलेक्ट्रॉन उस 5×10⁻¹५ मीटर त्रिज्या में कहीं भी हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता की कोटि लगभग ±r के बराबर होगी। और इस तरह से हम स्थिति में अनिश्चितता अगर डेल्टा एक्स कहें तो वो r के बराबर होगी, यानी 5×10⁻¹५ मीटर के बराबर होगी। अब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से हम संवेग में अनिश्चितता डेल्टा पी एक्स को ℏ2 डेल्टा एक्स लिख सकते हैं। डेल्टा पी एक्स इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू ℏ2, यह अनिश्चितता के सिद्धांत से हमने पहले देखा है। तो ℏ और डेल्टा एक्स का मान अगर हम रखें तो संवेग में जो अनिश्चितता है उसका मान हमें यहाँ मिल जाता है 1.054×10⁻²। तो अगर संवेग में अनिश्चितता इतनी है तो इलेक्ट्रॉन का जो संवेग है वो कम से कम उसके संवेग में अनिश्चितता के बराबर तो होना ही चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन का जो न्यूनतम संवेग है वो कम से कम, अर्थात न्यूनतम डेल्टा पी के बराबर तो होना ही चाहिए, यानी 1.054×10⁻²० किलोग्राम मीटर पर सेकेंड के बराबर होगा। अगर इसका उपयोग करके हम आइंस्टाइन के आपेक्षिक ऊर्जा संवेग संबंध से एनर्जी निकालें, ई मिनिमम, तो न्यूनतम संवेग पी मिनिमम का उपयोग करें यहाँ, तो p²c²+m0²c4√ यह ऊर्जा का मान हो जाएगा। और अगर मैं कहें कि विराम अवस्था में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो ऊर्जा है वो लगभग 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, और यह इलेक्ट्रॉन की जो कुल ऊर्जा है उससे बहुत कम होती है, तो उसको हम नेगलेक्ट करें अगर, तो ई मिनिमम लगभग हमारे पास में पी मिनिमम इनटू सी के बराबर आ जाता है। तो अगर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें हम, पी मिनिमम हमने पहले कैलकुलेट किया है, सी प्रकाश का वेग है 3×10⁸। तो इस समय जो अगर नाभिक को हम इलेक्ट्रॉन को हम नाभिक के अंदर माने तो उसकी जो कम से कम ऊर्जा होनी चाहिए वो आ रही है हमारे पास में 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जबकि बीटा क्षय में जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से बाहर निकलते हैं उनकी एनर्जी 2 से लेकर 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक नहीं होती, अर्थात इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर नहीं होता है। यह हम हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल से यहाँ सिद्ध कर सकते हैं। वह जो बीटा क्षय में इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वह नाभिक के अंदर होने वाली किसी नाभिकीय अन्योन्य क्रिया के कारण उसमें इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो रहा है और वह बाहर आ रहा है। तो इस तरह से नाभिक में इलेक्ट्रॉन के अनस्तित्व को हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का उपयोग करके सिद्ध कर सकते हैं। फिर दूसरी चीज़ हमें जो पढ़नी है वो हाइड्रोजन परमाणु की मूल ऊर्जा स्तर की जो ऊर्जा है उसको हम इस सिद्धांत का उपयोग कर कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम नाभिक को केंद्र मानकर एक आर त्रिज्या का गोला खींचें और उसको एक कहें कि ये आर त्रिज्या है परमाणु की, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो उस आर त्रिज्या के गोले के अंदर कहीं हमें प्राप्त होगा। तो उसकी जो स्थिति में अनिश्चितता है डेल्टा एक्स वो आर के बराबर होगी। तो इससे संवेग में अनिश्चितता, अगर हम यहाँ पर लगभग जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसको इस तरह से लिखें, अगर डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स लगभग ℏ के बराबर है, वैसे एग्जैक्टली बात करें तो ℏ2 के बराबर होता है, पर कम से कम ℏ2 या इससे ज़्यादा हो सकता है, तो यहाँ हम इसको ℏ ले रहे हैं। तो इससे संवेग में अनिश्चितता ℏ/r हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन के संवेग में अनिश्चितता इतनी डेल्टा पी ℏ/r है तो इलेक्ट्रॉन का संवेग कम से कम
एच क्रॉस बाई आर के बराबर तो होना ही चाहिए। और तो हम इलेक्ट्रॉन का संवेग एच क्रॉस बाई आर लिख सकते हैं। तो इससे इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है वो हम टी अगर कहें तो पी स्क्वायर बाई टू एम, और पी का मान एच क्रॉस बाई है तो एच क्रॉस स्क्वायर अपन टू एम आर स्क्वायर हो गया। तो और यह तो गतिज ऊर्जा होगी। अब इसमें जो विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा है, हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है, इनकी अन्योन्य क्रिया के कारण जो स्थितिज ऊर्जा होगी उसको हम लिख सकते हैं। स्थितिज ऊर्जा होती है के क्यू वन क्यू टू अपन आर। तो यहाँ क्यू वन और क्यू टू दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर जो चार्ज है वो बराबर है, ई के बराबर है, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, इसलिए जो स्थितिज ऊर्जा है वह माइनस के ई स्क्वायर अपन आर हो जाएगी। तो कुल ऊर्जा हम इस तरह से लिख सकते हैं, स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। अब परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा न्यूनतम होती है। तो और अगर न्यूनतम होती है तो आर के सापेक्ष इसका अगर प्रथम अवकलज करें तो वो शून्य होना चाहिए। तो कुल ऊर्जा वाली समीकरण का हम आर के सापेक्ष अवकलन कर दें और उसको शून्य के बराबर कर दें। तो इससे आर का मान हमें एच क्रॉस स्क्वायर अपन के एम ए स्क्वायर, जिसको हम यहाँ ए ज़ीरो कहें, ये प्राप्त होता है। तो यह परमाणु के मूल स्तर की त्रिज्या आ गई। तो ए ज़ीरो का मान हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एच क्रॉस का मान पता है, के का मान पता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पता है और इलेक्ट्रॉन पर आवेश पता है। तो हम देखते हैं कि इससे हमें 0.53 एंगस्ट्रॉम ए ज़ीरो का मान प्राप्त हुआ। तो यह मूल स्तर की त्रिज्या है जिसमें इलेक्ट्रॉन होगा। और अगर इसका मान हम आर का मान जो हमने कुल ऊर्जा निकाली है उसमें आर का मान ए ज़ीरो लग दें तो यह न्यूनतम ऊर्जा का मान बताएगा। तो हाइड्रोजन परमाणु के मूल स्तर की ऊर्जा ए ज़ीरो हम माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपन टू एम आर की जगह ए ज़ीरो लिख दिया, तो ए ज़ीरो स्क्वायर माइनस के ई स्क्वायर अपन ए ज़ीरो। और इसमें ए ज़ीरो का मान हमने लिख दिया तो इससे हमारे पास में ई ज़ीरो का एक्सप्रेशन आया, उसमें के एम ई और एच क्रॉस का मान रखे हम तो ई ज़ीरो का मान माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। और यही बोर मॉडल से जो हाइड्रोजन परमाणु की मूल ऊर्जा स्तर की ऊर्जा है वो यही आती है जो हमने जो कैलकुलेट किया हाइजेनबर्ग सिद्धांत का उपयोग करके, उसे मेल खाती है। उसी तरह से तीसरा जो हमें पढ़ना है वह सरल आवर्ती दोलक की मूल अवस्था ऊर्जा। तो मान लो हम कहें कि कोई एक्स अक्ष के अनुदेश सरल आवर्ती दोलन कर रहा है कण और दोलक, उसकी कुल ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा होगी। तो पी एक्स स्क्वायर अपन टू एम प्लस हाफ एम ओमेगा जीरो स्क्वायर स्क्वायर, ये हम पहली पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, जहाँ एम कण का द्रव्यमान है, ओमेगा जीरो कोणीय आवृत्ति है और एक्स विस्थापन पर संवेग पी एक्स है। तो दोलक की कुल ऊर्जा उसके माध्य गतिज ऊर्जा तथा माध्य स्थिति ऊर्जा के योग के बराबर भी होती है। तो हम पी एक्स और एक्स की जगह माध्य मान भी ले सकते हैं। तो हम समीकरण एक की तरह से माध्य मानों के टर्म्स में कुल ऊर्जा को लिख सकते हैं। यहाँ एक्स और पी एक्स का मान या उसकी कोटि कम से कम एक्स और पी एक्स में अनिश्चितता के बराबर तो होनी चाहिए। तो पी एक्स और एक्स की जगह अगर मैं उनके मानों के मापन में अनिश्चितता के बराबर लिखते हैं, अगर यानी पी एक्स और एक्स का न्यूनतम मान उनके मानों में ना मापन में अनिश्चितता कोटि के बराबर होना चाहिए। तो पी एक्स की जगह पी एक्स के मापन में अनिश्चितता डेल्टा पी एक्स और एक्स की जगह एक्स के मापन में अनिश्चितता डेल्टा एक्स लिख दिया हमने, तो समीकरण दो हमें प्राप्त होती है। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स लग बाई एच क्रॉस बाई टू के बराबर, तो इससे डेल्टा पी एक्स हमने लिख दिया एच क्रॉस अपन टू डेल्टा एक्स। तो इसका मान हम समीकरण दो में रख दें तो समीकरण तीन हमें प्राप्त होती है। और हम न्यूनतम ऊर्जा का मान निकालना चाहते हैं तो इसका प्रथम अवकलज शून्य के बराबर होना चाहिए अगर न्यूनतम है। तो डी अपॉन डी डेल्टा एक्स मैंने डेल्टा एक्स के सापेक्ष अवकलन ज़ीरो के बराबर होना चाहिए। तो इसका अवकलन करें हम तो डेल्टा एक्स का मान हम या डेल्टा एक्स स्क्वायर का मान एच क्रॉस अपन टू ओमेगा ज़ीरो हमें मिलता है। और इसका मान अगर हम समीकरण तीन में रख दें तो ई का न्यूनतम मान हमें प्राप्त हो जाएगा। मैंने जब डेल्टा एक्स का मान डेल्टा एक्स स्क्वायर का मान एच क्रॉस अपन टू एम ओमेगा ज़ीरो होगा तो ऊर्जा का मान न्यूनतम होगा। तो ई मिनिमम का मान इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो
इससे हम देखते हैं कि मिनिमम का मान हमें हाफ एच क्रॉस ओमेगा ज़ीरो यहाँ मिल रहा है। और क्वांटम यांत्रिकी में भी अगर हम दोलित्र की न्यूनतम ऊर्जा, मूल अवस्था ऊर्जा अगर ज्ञात करते हैं तो वो हाफ एच क्रॉस ओमेगा ज़ीरो के बराबर ही आती है, जो हमारे हाइजेनबर्ग अनसैटरेटेड प्रिंसिपल से कैलकुलेटेड वैल्यू के बराबर आ रही है। इस ऊर्जा को शून्य बिंदु ऊर्जा भी कहते हैं। उसी तरह से अगला अनुप्रयोग जो पढ़ना है वो उत्तेजित ऊर्जा स्तर का स्वाभाविक विस्तार। यानी जो परमाणु में अलग अलग ऊर्जा स्तर होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यह जो ऊर्जा स्तर हैं उनका कोई एक विशेष निश्चित मान नहीं होता, बल्कि वह एक मान के आसपास थोड़ा फैला हुआ होता है। जैसा हमने चित्र में दिखाया है कि अगर ई बी उत्तेजित अवस्था का ऊर्जा स्तर है तो उसका मान ई बी प्लस माइनस डेल्टा बी के आसपास कहीं हो सकता है। मानो निम्न ऊर्जा स्तर ए जिसमें ऊर्जा ई है उससे ई बी ऊर्जा स्तर वाली उच्च ऊर्जा स्तर बी में कोई इलेक्ट्रॉन संक्रमण करता है, तो उच्च ऊर्जा स्तर में हमेशा के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, वह कुछ देर वहाँ रुककर वापस अपने आप ग्राउंड स्टेट में आ सकता है। तो जितनी देर वो उच्च ऊर्जा स्तर में रहता है वह उसका उत्तेजित अवस्था में जीवन काल या लाइफ टाइम कहलाता है। तो यह लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 10^-8 सेकंड तक उच्च ऊर्जा स्तर में रह सकता है, या इससे पहले भी कभी भी आ सकता है, पर ज़्यादा से ज़्यादा 10^-8 सेकंड लगभग के बाद में वो अपने आप वापस ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। तो निम्न ऊर्जा स्तर में वो 10^-0 से लेकर 10^-8 सेकंड के बीच में कभी भी आ सकता है। तो जो उत्सर्जन समय के मापन में अनिश्चितता है वो लगभग 10^-8 सेकंड के बराबर होगी। तो डेल्टा टी में टी बी यानी 10^-8 सेकंड के बराबर मान सकता हूँ। और हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत ऊर्जा और समय का जो है उससे डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी एच क्रॉस बाई 2 के बराबर, तो इससे डेल्टा ई का मान एच क्रॉस अपन 2 डेल्टा टी, और डेल्टा टी हम यहाँ पर टी बी को लिख रहे हैं या 10^-8 सेकंड, तो इससे डेल्टा ई बी का मान हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करें तो यह 3.29 इंटू 10^-8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग बराबर आता है। तो हमें देख रहे हैं कि यह जो उत्तेजित अवस्था की ऊर्जा के मापन में जो अनिश्चितता है, या उस अवस्था की ऊर्जा में जो अनिश्चितता है, वह 3.29 इंटू 10^-8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसलिए इस अनिश्चितता के कारण उत्तेजित ऊर्जा स्तर की ऊर्जा के निर्धारण में एक स्वाभाविक ऊर्जा का विस्तार हो जाता है, जो हम अनिश्चितता के सिद्धांत से समझ पाए हैं। इसी तरह से अगली चीज़ है वर्णक्रमीय रेखाओं का स्वाभाविक विस्तार। तो जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें जो हमें लाइंस मिलती हैं वो एकदम शार्प लाइंस नहीं होती है, मैंने एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ही के कॉरस्पॉन्डिंग नहीं होती, बल्कि वो थोड़ी चौड़ी होती है, मैंने एक कुछ फ्रीक्वेंसी के एक फ्रीक्वेंसी न्यू से लेके न्यू प्लस डी न्यू या के बीच में फ्रीक्वेंसी होती है। तो यह जो वर्णक्रमीय रेखाओं का जो विस्तार है, स्वाभाविक विस्तार है, इसको हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से समझ सकते हैं। जैसा अभी हमने पढ़ा था हाइजेनबर्ग के सिद्धांत से उत्तेजित उच्च ऊर्जा स्तर की ऊर्जा ई बी के निर्धारण में अनिश्चितता डेल्टा ई बी हमने लिखी थी एच क्रॉस बाई अपन टी बी। तो इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से जब निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करेगा तो इस दौरान जो वो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा उसका मान भी ई बी प्लस माइनस डेल्टा ई बी माइनस ई ए के बराबर होगा, मैंने इसके बीच में कहीं होगा। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फोटोन उत्सर्जित होंगे उनकी अगर हम आवृत्ति की बात करें, तो क्योंकि ई इक्वल टू एच नहीं होता है तो न्यू बराबर आवृत्ति बराबर ई अपन एच हो जाएगा। तो यह जो हमने संक्रमण के कारण जो ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ है ई बी प्लस माइनस डेल्टा ए बी माइनस ई ए, उसमें एच का भाग लगा दें तो फोटोन की आवृत्ति हमें मिल जाएगी, तो जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ई बी माइनस ई अपन एच। तो ई बी माइनस ई अपन एच तो एक पर्टिकुलर आवृत्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है, और डेल्टा ए बी अपन एच हम डेल्टा न्यू लिख सकते हैं। तो यह जो डेल्टा न्यू डेल्टा ई बी अपन एच के बराबर आ रहा है, यह वर्णक्रमीय रेखाओं का विस्तार है, उनका स्वाभाविक विस्तार है। और अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो ये डेल्टा ए बी अपन एच, तो डेल्टा ए बी का मान हमने पहले कैलकुलेट किया है
पिछले पॉइंट में, तो इससे हमारे पास में डेल्टा न्यू का मान 7.95 इंटू 10^-6 पर सेकेंड आ जाता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन जब संक्रमण करता है उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में, तो इस दौरान न्यू माइनस डेल्टा न्यू से लेके न्यू प्लस डेल्टा न्यू आवृत्ति के बीच की किसी भी आवृत्ति के फोटोन को उत्सर्जित करता है, जिससे वर्णक्रम रेखाएं एक रेखा के रूप में न होकर एक चौड़ी रेखा दिखाई देती है। तो यह जो स्वाभाविक विस्तार है वर्णक्रम रेखाओं का, यह भी हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से समझ सकते हैं।